हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नू। आप देख रहे हैं अन्नूज रेसिपीज। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए दाल चावल बनाने की एक सिंपल रेसिपी लेकर आई हूं। लेकिन इसको बनाने की आज मैं बहुत अच्छी ट्रिक आपको बताने वाली हूं कि हम एक ही कुकर में एक बार में ही एक साथ में दाल और चावल कैसे बना सकते हैं। यानी कि हम सिर्फ एक कुकर यूज़ करेंगे और दाल और चावल दोनों पकाएंगे। इससे हमारा टाइम भी बचेगा और गैस भी कम खर्च होगी। कई बार हम क्या है, काम में काफ़ी बिजी होते हैं या फिर जो बैचलर लोग हैं जो कि बाहर जॉब पे रहते हैं उनके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है और ज़्यादा बर्तन भी नहीं यूज़ करते हैं। तो ऐसे में ये जो ट्रिक है, ये जो रेसिपी है, ये उनके बहुत काम आ सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक बार इस तरीके से दाल और चावल बनाकर देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं दाल और चावल हम एक साथ कैसे बना सकते हैं। दाल चावल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मूंग की दाल ली है और थोड़े से चावल लिए हैं। तो मैंने दोनों को धो करके ले लिया है, अच्छे से साफ कर लिया है। यहाँ पर मैं मूंग की दाल यूज़ कर रही हूँ, उसे डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ। अगर आप कोई और दाल यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको आगे, तो यहाँ पर मूंग की दाल है वो जल्दी पक जाती है। तो यहाँ पर मैंने एक कुकर ले लिया है जिस कुकर में आपको दाल बनानी है, तो इसमें हम अपनी दाल डाल देंगे। दाल को मैंने अच्छे से साफ करके धो करके ले लिया है। इसमें हम दाल डाल देंगे और लगभग दाल से दुगना पानी इसमें हम ऐड कर रहे हैं। आपको जिस तरह की दाल खाना पसंद है, अगर ज़्यादा गाढ़ी पसंद है तो थोड़ा कम डाल दीजिए और अगर ज़्यादा पानी पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। मैं दाल से लगभग दुगना पानी इसमें ऐड कर रही हूँ और दाल के साथ में ही हम कुछ मसाले भी इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो मसाले बाद में जब हम तड़का लगाएंगे तब भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर इसमें डाल दिया है, यानी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। और साथ में ही हम थोड़ा सा नमक भी इसमें ऐड कर देंगे, स्वादानुसार आप नमक डाल दें इसमें। और सभी मसालों को हम मिक्स कर देंगे दाल के साथ में ही। तो यहाँ पर हमारा दाल का मिश्रण बिल्कुल तैयार हो गया है। जो भी आप दाल खाना पसंद करते हैं उस तरीके से आप इसका मिश्रण बना लें। इसके बाद में चावल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर मैंने एक डब्बा जैसा लिया है, देखिए एक डब्बा लिया है, थोड़ा लंबा है, इसकी गहराई थोड़ी ज़्यादा है। इस तरह का कोई डब्बा ले लें या फिर आप एक लोटा भी ले सकते हैं। इसमें हम चावल को डाल देंगे, जितने चावल आपको बनाने हैं धो करके ले लें। ये चावल हम इसमें ऐड कर देंगे। डब्बा हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसका ढक्कन हम इजीली लगा सकते हैं, खुलने का डर नहीं होता है, इसलिए हम डब्बे का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे तो एक लोटा ले लें और उसको फॉइल पेपर से कवर कर दें। डब्बा ले लिया है और डब्बे में हम चावल से दुगना पानी ऐड कर देंगे, जितने हमने चावल लिए थे उसे दुगना पानी इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको थोड़े से बना करके दिखा रही हूँ। आप चाहे तो थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं, तो बड़ा कुकर ले लें और उसमें बड़ा डब्बा रख सकते हैं, लेकिन डब्बा इतना हो कि चारों तरफ से भाप निकलने की जगह उसमें हो जाए। इसके बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे हम। नमक डालने के बाद में हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसमें मैं घी ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो सिंपल चावल भी बना सकते हैं और दाल की जगह आप चाहे तो कोई भाजी भी इसमें बना सकते हैं, कोई सब्जी बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं। और डब्बे को हमने ढक्कन लगा करके बंद कर दिया है। अब जो दाल वाला बर्तन है इसमें भी हम थोड़ा सा घी डाल देंगे। इससे क्या होता है कि कई बार आपने देखा है ना कि कुकर में सीटी आने पर पानी बाहर निकलने लगता है, तो सॉरी फ्रेंड्स, घी डालने से पानी बाहर नहीं निकलता है। अब हम डब्बे को अंदर कुकर के अंदर प्लेस कर देंगे, अंदर सेट कर देंगे। देखिए डब्बा अंदर हमने रख दिया है, चारों तरफ स्पेस है इसमें भाप आने के लिए, यही हमें ध्यान रखना है। चारों तरफ इसमें थोड़ी जगह बचनी चाहिए, इतना बड़ा डब्बा आप रख दें। और कुकर का ढक्कन हम लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ढक्कन लगा दिया है और कुकर को हमने गैस पर चढ़ा दिया है। अब हम इसमें दो सीटी आने देंगे और दो सीटी आने के बाद में हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर हम दो सीटी इसमें लगा लेते हैं। एक पिसल आ चुकी है फ्रेंड्स, एक पिसल और आ जाएगी, उसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक पिसल और आ गई है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और कुकर का प्रेशर खत्म होने तक हम इसको बंद रहने देंगे। और जब कुकर का प्रेशर खत्म हो जाएगा तब हम इसको खोल कर चेक करेंगे कि हमारे दाल और चावल बने हैं या नहीं। प्रेशर बिल्कुल खत्म हो चुका है, देखिए फ्रेंड्स। अब हम कुकर को खोल देते हैं, प्रेशर खत्म होने के बाद ही कुकर को खोलें। ये देखिए हमने खोल दिया है और डब्बा जो है वो बहुत गर्म होगा इस वक्त क्योंकि अंदर से भाप काफी बनती है इसमें। तो हम एक साफ कपड़ा ले लेंगे या तो, या फिर आप ग्लव्स भी पहन सकते हैं हाथों में।
और डब्बे को हम बाहर निकाल लेंगे। बहुत सावधानी से करें फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत गर्म होगा, कुकर भी गर्म है और डब्बा भी बहुत ज़्यादा गर्म है। हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और आप देख सकते हैं कि जो हमारी दाल है वो अच्छे से पक चुकी है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए दाल अच्छे से फूल गई है, अच्छे से पक चुकी है दाल। आप इसको दबा करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि मूंग की दाल तो फटाफट बन जाती है, और कोई भी दाल अगर आप बनाते हैं तो पहले आप उसको भिगो दें और उसके बाद में पकाएं, नहीं तो दो सीटी में वो नहीं पक पाएगी। फिर इसके बाद में हम डब्बे को खोल लेते हैं, अपने राइस चेक करेंगे तो डब्बा बहुत गर्म है, तो हम कपड़े का या ग्लव्स का यूज करके इसको खोल लेंगे ढक्कन को। ये देखिए, और आप देख सकते हैं कि हमारे चावल भी अंदर पक करके तैयार हैं। ये देखिए, मैं आपको बिल्कुल नजदीक से दिखाऊंगी कि चावल बिल्कुल पक चुके हैं, अच्छे से पक चुके हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं है। ये देखिए, चावल बिल्कुल पक चुके हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे चावल बने हैं, शाइनिंग है क्योंकि हमने इसमें घी डाला था। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि एक ही बार में, एक ही कुकर में हमने दाल और चावल एक साथ किस तरीके से बना लिए हैं, बहुत आसान तरीके से, बहुत ही आसान ट्रिक है ये। अब हम दाल में तड़का लगाएंगे, तो तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच घी का यूज़ किया है। घी को हम गर्म होने देंगे, तो आप घी की जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी हल्का गर्म हो चुका है, घी को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए। जब भी आप घी का तड़का लगाएं तो घी बहुत हल्का गर्म करें। अब इसमें हमने 1/2 छोटा चम्मच जितना जीरा डाला है, आप देख सकते हैं कि घी बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं है, तड़कने नहीं लगा है जीरा एकदम से, हल्के हल्के से धीरे धीरे तड़कने लगेगा। घी को ज़्यादा गर्म करने से वो नुकसान करता है, फिर उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। चुटकी पर हमने हींग डाल दिया है इसमें, दोनों को हम तड़कने देंगे। इसके बाद में 1 छोटी हरी मिर्च को मैंने काट करके ले लिया है, वो इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इन सभी चीज़ों को पहले भी डाल सकते हैं बॉईल करते वक्त। 1 छोटे साइज के टमाटर को मैंने बारीक कट करके ले लिया है, वो इसमें हम मिक्स कर देंगे और दोनों चीज़ों को हम अच्छे से गलाएंगे। अच्छे से मिला देते हैं पहले। इसके बाद में हम थोड़ा थोड़ा सा इसमें मसाला और ऐड करेंगे, क्योंकि हमने पहले मसाला ऐड नहीं किया था, तो रेड चिल्ली पाउडर इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा, हमने बहुत थोड़ा सा डाला था पहले। और चुटकी भर मैंने हल्दी भी डाल दी है इसमें, इससे क्या है कि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से पक जाएंगे, जल्दी पक जाते हैं हल्दी और नमक डालने से। तो मैं बहुत थोड़ा सा इसमें नमक भी ऐड कर रही हूँ, आप नमक स्वाद अनुसार ऐड करें फ्रेंड्स, या तो आप पहले कम ऐड कर दें, बाद में फिर और ऐड कर सकते हैं आप। टमाटर अच्छे से पक गए हैं तो इसमें हम अपनी दाल को ऐड कर देंगे। दाल में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ज़्यादा थोड़ा अगर पतली खाना पसंद करते हैं दाल को, तो आप पहले थोड़ा सा पानी डाल के उबाल लें, टमाटर में पहले पानी डालें फिर बॉईल कर लें और उसके बाद में दाल ऐड करें। दाल को हम तड़के के साथ में मिक्स कर देंगे और 1-2 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे, ढक करके इसको 1-2 मिनट के लिए पकने देंगे और हमारी दाल बनकर के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। 1-2 मिनट के लिए हम इसको ढक करके पका लेते हैं। यहाँ पर दाल हमारी पक करके बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है दाल, तो हम इसको सर्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने दाल और चावल को सर्व कर लिया है फ्रेंड्स, और कोई इसको देखकर ये कह सकता है कि हमने दाल और चावल को एक साथ बनाया है, एक ही कुकर में बनाया है, हमने 2 कुकर का यूज़ नहीं किया, किसी पतीले का यूज़ नहीं किया, एक ही कुकर में हमने दाल और चावल को एक साथ में बनाया है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये ट्रिक पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और ज़रूरी नहीं है कि आप दाल ही बनाएं, दाल की जगह आप कोई भाजी भी बना सकते हैं, कोई सब्जी बना सकते हैं, या फिर डब्बे में रखकर आप दाल बना सकते हैं और चावल की जगह और दाल की जगह आप कोई सब्जी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय, थैंक यू।